मौसम बेहद खूबसूरत है दोस्तों, और खेतों पर काम करने में ऐसे मौसम में आनंद आता ही है। शाम के समय जब हल्की सी हो जाती है थोड़ी सी धूप, तो किसान लोग स्प्रे वगैरह करने अपने खेत पर निकलते हैं। ये देखिए, तो किसान लोग जितने भी होते हैं अपने, हमारे किसान भाई शाम के समय आ जाते हैं। ये टीटू भाई स्प्रे करने की तैयारी कर रहे हैं। ये जो है पहले टंकी को आधा भर लें, पहले टंकी को आधा भरना है। हाँ, आधा इसलिए भरते हैं क्योंकि जो हम दवाई को नीचे पहले डाल देंगे तो वो तली में चली जाती है, जो नलकी में पानी भरता है। अच्छा, सारी दवाई फिर उसी में यूज हो जाती है तो पानी में नहीं घुल पाती है। तो टंकी को पहले पानी से आधा भरना है। किसी भी तरह की स्प्रे करने के लिए आधा भरना है, या कुछ खास किस्मों की ही दवाइयों पे जब स्प्रे करना है दवाइयों का तब करना है, या कोई भी स्प्रे करने से पहले? कोई भी स्प्रे करनी है। अच्छा, तभी स्प्रे में आधा भरना कम से कम। तो ये कौन सी दवा आप अपने खेत में डाल रहे हैं? एग्रो 82 है, वेस्टीज वालों की। ये जरा स्टिकर का काम करती है। स्टिकर मतलब? स्टिकर मतलब ये है कि पत्तों पर दवाई को चिपकाने का काम। जैसे आप शैम्पू है, शैम्पू का यूज करते हैं ना, जो किसान भाई शैम्पू का यूज करते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। और इससे एक और फायदा है, ये पानी को तोड़ने का भी काम करती है। तोड़ने का कैसे? मानने पानी को हल्का बनाती है। अच्छा, उसको हल्का बनाती है बहुत। और इससे दवाई आधी लगती है। मान लिया आप कि 5 ml लग रही टंकी में, तो 2.5 ml ही लगेगी। अच्छा, इसको 10 ग्राम घेरते हैं बस एक टंकी में, 10 ग्राम का है ढक्कन, 10 ml का। तो अभी आप ये स्प्रे किस खेत में करने वाले हैं? क्या बो रखा है आपने इसमें? ये तरबूज बो रखा है हमने इसमें। तरबूज की जो फसल टीटू भाई ने लगाई हुई है, जिसमें ये नुमान है, ये कीटनाशक है। नुमान? हाँ जी। किसी भी तरीके की को, जो कीट को रोकने के लिए होते हैं, ये उड़ने वाले कीट होते हैं, उनके लिए होता है जी। वो खेत में आएंगे नहीं या मर जाएंगे? फिर मर जाएंगे इससे, अगर खेत में आते हैं। हाँ, इसकी महक से फिर आएंगे भी नहीं। अच्छा, इसकी जो महक या खुशबू खेत में रहेगी तो फिर वो कीट आएंगे भी नहीं, और जो रहेंगे पहले से वो मर जाएंगे। तो इस तरीके से तैयारी की जाती है। एक और दवा भी है इनके पास, इससे क्या होता है जी? ये है रिजेंट। रिजेंट ये किस काम? रिजेंट बोलते हैं, फिबलोलिन होता है 5%। जैसे किसान भाइयों को पपीते के लिए मैं जंप बताता हूँ, तो ऐसे ही होता है। इसकी मात्रा हम प्रति ग्राम मतलब 2 ml के हिसाब से, प्रति लीटर के हिसाब से डालते हैं। अच्छा, ये बड़ा गाढ़ा दूध सा होता है, मलाई सी है कतई। तो इससे किस किस तरह का लाभ होता है? इससे जड़ों का फायदा होता है जी। तो जैसे अब आपने तीनों दवाई एक ही टंकी में मिला दी, इससे कोई रिएक्शन नहीं होता? ना, मतलब कीटनाशक है ना, ये कीटनाशक का यूज कर सकते हैं हम एक साथ तीनों का। अच्छा, मान लिया कोई अलग चीज है, मान लिया कोई ताकतवर है या किसी चीज को बचाने की चीज है, अगर उसे डालेंगे तो कीटनाशक के साथ नहीं डाल सकते उसको। अच्छा, तो मान लिया बहुत चीज ऐसी, सल्फर हो गया, सल्फर की हम एनपीके की स्प्रे नहीं कर सकते, यूज की बोरोन की स्प्रे नहीं कर सकते। तो काफी सारी चीजें होती हैं एक साथ, जो चीजों की हम इस पे एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि वे क्रिया करते हैं आपस में। तो अगर आप गांव में रहते हैं, आपने अपनी ट्यूबवेल पर देखा होगा, जैसे इस वक्त हम एक सरकारी ट्यूबवेल पर खड़े हैं, इस तरीके से पानी भरा रहता है, वहां से पानी अपने खेती में जो इमरजेंसी में यूज करने के लिए, इस तरीके से गड्ढों से पानी निकालकर या तालाबों से भी निकालकर पानी यूज किया जाता है फसलों में। तो इन तीनों दवाइयों का बराबर मात्रा में नाप कर टीटू भाई ने मिश्रण तैयार किया। एक बार फिर से किसान भाइयों को बता दीजिए, और ये भी बताइए कि इन दवाइयां जो आपने डाली हैं, ये और किस किस फसल में काम कर सकती हैं? ये कीटनाशक एक तो आपकी नुमान है, ये कीटनाशक है जो आपके कीट होते हैं, जो हमारे बारीक कीट उड़ने वाले कीट होते हैं, किसी भी फसल में, किसी भी फसल में उड़ने वाले, इसीलिए यूज होती है। ये आपका स्टिकर मैंने बताई दिया, ये इसका ये काम है कि वो दवाई को दवाई पे चिपका के रखेगा। बिल्कुल, चिपका के रखेगा। तो अगर दवाई पत्तों पे चिपकी रहेगी, जो मतलब अगर हम नॉर्मली करते हैं स्प्रे, तो उसके बाद, और इस बात का और ध्यान रखें किसान भाई कि स्प्रे को हमेशा लो टेम्परेचर पे करें, या तो सुबह सुबह करें या शाम को करें। अच्छा, क्योंकि धूप में आने के बाद में स्टिक जो दवाई की वो है वो आधी रह जाती है। अच्छा, जो पावर है उसकी, थोड़ा ठंडक वातावरण में हो जाए तब करना चाहिए। ठंडा मौसम इसलिए फायदा होता है क्योंकि जो उसकी दवाई है वो पूरा असर करती है, पत्ता पी जाता है उस दवाई को, अब सूखने के बाद में कुछ असर नहीं होता फिर दवाई का, दवाई उड़ जाएगी, आधा असर रह जाता फिर दवाई का। अच्छा, चलिए तो अब दोस्तों हम आपको दिखाते हैं खेत में लाइव, ये किस तरीके से स्प्रे करेंगे अपनी तरबूज की फसल में।
इसको इस तरीके से पीठ पे लादा जाएगा। तो ये मोटर वाली मशीन है आपकी, आजकल तो सभी लोग जो मोटर वाली मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ये सरसों कट चुकी है, निकलने के लिए तैयार है और गेहूं की फसल भी लगभग तैयार है। अगले 10-5 दिन में जो है कटाइयां शुरू हो जाएंगी, जो अगेती गेहूं की फसल बोई गई है। खेतों के बीच में बनी ये पगडंडियां, जिन्हें हम गांव की भाषा में डोला भी बोलते हैं, बड़ी कमाल की जगह होती है। देखिए जी, ये है इनकी तरबूज प्लस गन्ने की फसल, मिक्स है क्या इसमें गन्ना? अच्छा अच्छा, कोई कोई जो पुराने बीज में से बच जाते हैं वो है। तो ये इन्होंने तरबूज बोया है, खरबूजा भी है, मूली है, मूली है कुछ, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, भिंडी, मूली और तरबूज, ये देखिए अभी छोटी छोटी है पौध, बारिश की वजह से थोड़ी खराब हो गई थी तो इसलिए थोड़ा समय लग गया है। ये भी कुछ हिसाब होता है कि कितनी देर तक एक इस फव्वारे को पौध के ऊपर रखना है। हाँ, ये वैसे पौधा पौधे पे जो है ना जम जाना चाहिए, ओसी जैसे ओस पड़ती है हमारी, इस तरीके से जम जाना चाहिए, अच्छे से छींटे उस पौध की पत्तियों पर लग जाने चाहिए। तो किसान भाइयों देखिए, जब भी आप करें स्प्रे किसी भी तरह के फसल के ऊपर, तो आपको ध्यान रखना है कितनी मात्रा में दवाइयां मिक्स करी जाती हैं और कितनी मात्रा में कितनी देर तक उस स्प्रे को अपने पौधों के ऊपर किया जाएगा। और भी कोई खास बात होती है जिसका किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए? बस ये होना चाहिए कि उसको लो टेम्परेचर पर करें, या तो सुबह सुबह करें, या सूरज ढल जाए हल्का हो जाए, मतलब 3-4 बजे के बाद करें। ज्यादा टेम्परेचर में स्प्रे कभी ना करें, क्योंकि उसका असर नहीं रह पाता है दवाई का। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हमें खास जानकारी आज ये मिली है कि दवाइयों की जो मात्रा निश्चित की जाती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है, एक निश्चित मात्रा में ही दवाइयों का इस्तेमाल किया जाए। और जो ठंडक वाला टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ना हो, या तो सुबह सुबह या शाम के समय आपको स्प्रे करनी चाहिए। ये एक तरबूज की फसल टीटू भाई ने बोई हुई है, यहाँ पर बीच में भिंडी और कुछ और सह फसली हैं जिनका ये इस्तेमाल करेंगे। बीच में जो आपको ये खाली गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये बेलें फैल जाएंगी। जहरीली तो होती होगी ना ये दवाइयाँ, जहर की मात्रा होती है इन दवाइयों में कीट वगैरह को मारने के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब कभी आप इस तरह की दवाइयों का छिड़काव खेत में कर देते हैं, तो कई लोग कुछ कई किस्मों के पत्तों का साग बनाते हैं, तो ऐसे में जब स्प्रे हो जाती है किसी भी तरीके का साग में या अपने पशुओं के लिए भी, आपको इन पत्तियों का या इस खेत से किसी भी तरीके की पत्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही घास आप अपने पशुओं को भी ना खिलाएं। स्प्रे करने के कितने दिन बाद या कितनी देर बाद हम अपने पशुओं के लिए खेत से चारा काट सकते हैं या कोई पत्तियों को तोड़कर अपने साग सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं? 5-6 दिन के बाद। तो दोस्तों, आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपके खुद के खेत में स्प्रे करें या आप किसी और के खेत से कोई घास अपने पशुओं के लिए चारा या कोई साग सब्जी तोड़ने जाए, तो उस खेत में पिछले 8 दिन में कोई स्प्रे ना हो, ऐसा आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल खेती आपका अपना खेती किसानी का चैनल है, यहाँ पर हम हमेशा आपको प्रैक्टिकली लाइव जानकारियां देने की कोशिश करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नीचे आपको लाल कलर का बटन दिख रहा होगा जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा है, तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले आपके पास नई वीडियो की जानकारियां मिल जाएंगी। और अगर आप भी कोई खास किस्म की जानकारियां चाहते हैं, कोई आपके मन में सवाल आता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, फोन नंबर पर भी आप मैसेजेस कर सकते हैं। ये चैनल किसान भाइयों के लिए है, किसान भाइयों की सहायता के लिए है, और हम कोशिश करते हैं कि खेती किसानी से जुड़ी हर जानकारी आपको प्रोवाइड कराएं। वीडियो लंबी ना हो इसके लिए हम ब्रेक लेते हैं। हमारे चैनल पर ढेर सारी वीडियोस हैं जो आपके लिए बेहद काम की होंगी। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, अपना प्यार बरसाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।